नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के विज्ञान स्टूडियो में आज मैं पुनः आप सभी जो दर्शक हैं उनका स्वागत करता हूं। और चूंकि लगातार यूसर्क ई कंटेंट जनरेशन की बात करता है, उस पर काम करता है और विभिन्न प्रबुद्ध वैज्ञानिक और विद्वान हमारे बीच आते हैं, उसी क्रम में आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार साहब, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एंड प्रिंसिपल हायर एजुकेशन में आप रहे हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूंगा कि आपका एक बहुत विशाल अनुभव रहा है टीचिंग और रिसर्च का, लगभग मोर देन 43 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है और लगभग 115 से भी ऊपर आपके पब्लिकेशन हैं और लगभग आधे दर्जन से ऊपर आपकी पुस्तकें हैं जो आपने लिखी हैं और साथ में 22 आपके पीएचडी स्टूडेंट्स आपके अंडर में सुपरविजन में जिन्होंने पीएचडी कर दिया है। अभी भी कई स्टूडेंट आपके अंडर में काम कर रहे हैं और आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड आपके खाते में हैं और साथ ही जो विभिन्न कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो जो है एब्रॉड की हो, आपने सेशन चेयर से लेके और उसको ऑर्गेनाइज करने से लेके और लीड स्पीकर के रूप में आप विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप लगातार, आपको लोग इनवाइट करते रहते हैं, आप अपने ख्याति का उसमें भी प्रदर्शन करते रहे हैं। आप विभिन्न संस्थाओं के जो फेलो होते हैं, जैसे फेलो ऑफ लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन आप उसके फेलो हैं, फेलो ऑफ नेशनल ऑफ इकोलॉजी के हैं, फेलो ऑफ सोसाइटी फॉर प्लांट रिसर्च, कई जगह पे कई संस्थाओं के साथ आप जुड़े हैं। तो ऐसी प्रबुद्ध प्रोफेसर हमारे बीच हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर आज आप हमारे छात्रों को अपने क्षेत्र से जुड़े हुए, अपने फील्ड से जुड़े हुए जो विभिन्न रिसर्च हैं, जो विभिन्न हम बच्चों को जिस जो उन्हें ये लगता है कि इस पे हम बात कर सकते हैं, आप कुछ अपने ज्ञान से उनको भी उत्प्रोत करेंगे। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर रजवार साहब। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वनस्पति विज्ञान से संबंधित चर्चा है, जिसमें हम प्लांट नॉमनक्लेचर, इंट्रोडक्शन टू प्लांट नॉमनक्लेचर विषय पर चर्चा करेंगे। इसका मतलब है पेड़ पौधों के नामकरण, यानी नाम हम कैसे देते हैं। कोई भी पेड़ या प्रजाति जो जंगल में या नेचर में या घर में या खेती में पाई जाती है, उनके हम नाम कैसे देते हैं, उसके पीछे क्या सिद्धांत हैं, क्या नियम हैं और किस प्रकार से हम नाम को पहचानते हैं। एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होती है, सो ये जानने की आवश्यकता हमें होती है कि नाम कैसे दिए जाते हैं और क्या इसके नियम हैं और कौन से नाम को हम सही कहेंगे, कौन से नाम को हम सही नहीं कहेंगे, इसके भी नियम बने हुए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डियर व्यूअर्स, today we shall discuss about the plant nomenclature. The topic is introduction to plant nomenclature. It means how do we name the plants? What is the what are the rules behind it? How do we name the plants? What is the correct process or method of naming the plants? तो हमको ये जानना है कि पेड़ पौधों के नाम वनस्पति जगत में पेड़ पौधों के नाम किस प्रकार दिए जाते हैं और क्या उसका तरीका है और कौन से नाम को हम सही मानेंगे, कौन से नाम को हम सही नहीं मानेंगे या उसको हम रिजेक्ट करेंगे, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सो नॉमनक्लेचर जो होता है, प्लांट नॉमनक्लेचर, ये टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ शब्द है।
एक उसका एक ब्रांच कह सकते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण, जो पेड़ पौधों का वर्गीकरण होता है। और दूसरी चीज़ नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, प्लांट नेमिंग का मतलब होता है कि वो टैक्सोनॉमी में उसको हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, किसी भी पौधे का सही नाम कैसे हम करेक्ट उसको डिटरमाइन करें, यही जो है नॉमेनक्लेचर कहलाता है। और इसको हम टैक्सोनॉमी का फंक्शन भी कहते हैं, दिस ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी। और साइंटिफिक नेमिंग जो होते हैं पेड़ पौधों के, जो नाम होते हैं पूरी दुनिया के लिए एक ही होते हैं, जैसे मटर का नाम है पाइजम सेटाइमम लिन, सो दिस नेम इज एप्लीकेबल फॉर पी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ प्लांट नॉमेनक्लेचर, द फंक्शन इज द ऑफ नॉमेनक्लेचर इज टू गिव द करेक्ट नेम टू अ प्लांट, किसी भी पौधे को सही नाम देना है। और सबसे पहली चीज यह है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम प्लांट्स को नाम क्यों देते हैं। पूरी दुनिया में जो पेड़ पौधों की या वनस्पति की विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है, उसको हम कैसे जान पाएंगे, जब तक हम उसको नाम नहीं देंगे, उसको वर्गीकरण नहीं करेंगे उसका, तब तक हम उसको नाम नहीं दे सकते। और वनस्पति जगत या जंगल या वनस्पति जो होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या उनकी प्रजातियां होती हैं, जातियां होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं, बिना नाम दिए हुए हम ये नहीं जान सकते। कोई भी पौधा जैसे ब्रह्मकमल है हिमालय का, तो इसका नाम क्या है, सोसोरिया ओवलेटा, इस नाम से हम इसको पूरी दुनिया में इसी नाम से जानेंगे, जाने जाते हैं, ये जाना जाता है ये पौधा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर जो है इंटरनेशनल होता है, और किसी भी पौधे का नाम जो दिया जाता है वो पूरी दुनिया में वही नाम रहता है। अब नामकरण की जो पद्धति है किस प्रकार से शुरू हुई, सबसे पहले जो साहित्य था वनस्पति विज्ञान में, दैट वॉज रिटन इन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, सब मैन्युस्क्रिप्ट्स दे वर ऑल इन आइदर इन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, और ज्यादातर जो नाम दिए गए हैं, नाम जो दिए गए हैं वो लैटिन भाषा में थे। इसीलिए आज हम जो वनस्पति या पेड़ पौधों के जो नाम दिए जाते हैं वो लैटिन भाषा में दिए जाते हैं। सबसे पहले लैटिन भाषा जो शुरू हुई थी उसमें, चूंकि उसमें रोमन अल्फाबेट्स होते थे, और सबसे पहले जो नाम दिए गए थे उसमें किसी भी पौधे का या प्रजाति का नाम जो होता है दो से ज्यादा शब्दों में होता था, उनको दे आर कॉल्ड पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल मींस प्लांट नेम कंसिस्ट ऑफ टू, मोर देन टू वर्ड्स, थ्री वर्ड्स, फोर वर्ड्स, एंड दीज वर्ड्स एक्चुअली डिनोटेड देयर डिफरेंट कैरेक्टर्स लाइक जीनस, स्पीसीज, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कलर ऑफ फ्लावर एटसेट्रा। एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, ये जो नाम थे बाइनोमियल सिस्टम में कन्वर्ट हुए, जिनको रिविनस ने और कैस्पर बॉयन ने यूज किया, और लीनियस का जो किताब है स्पीसीज प्लांटरम 1753 में जो छपी थी, दिस इज द बेस बुक फॉर द नॉमेनक्लेचर फॉर स्पीसीज। तो यहां से स्टार्टिंग हुई थी नॉमेनक्लेचर की। और किसी भी पौधे के नाम में बाइनोमियल सिस्टम जो होता है नामकरण में, यानी द्विनाम पद्धति, इसमें क्या होता है कि पहला जो नाम होता है जीनस होता है, दूसरा होता है स्पीसीज, जैसे रोजा इंडिका, तो ये रोजा जीनस है और वो इंडिका स्पीसीज है। तो सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर के बारे में जो रूल्स की शुरुआत हुई, वो लीनियस की दो किताबें इंपॉर्टेंट थी इसमें, द वन वाज फंडामेंटा बोटेनिका एंड अदर वाज क्रिटिका बोटेनिका। लेकिन जो रूल्स शुरू हुए नॉमेनक्लेचर के, प्लांट नेमिंग के, वो दो किताबें थी, एक फर्स्ट वाज रिटन बाय एपीडी कैंडोले, और जो उसका नाम था थ्योरी एलिमेंटे डीला बोटेनिकी, और दूसरी किताब थी अल्फोंसी डी कैंडोले, एक ही फैमिली के कैंडोले फैमिली के बॉटनिस्ट थे ये, उसका नाम, उनके बुक का नाम था डी कैंडोले, अल्फोंसी डी कैंडोले का लुई डीला नॉमेनक्लेचर बोटेनिकस बोटेनिकी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नामकरण की शुरुआत हुई, नियम बने, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थे। तो इसमें ऐसा हुआ कि जो 19वीं जो इंटरनेशनल बॉटनिक कांग्रेस हुई थी उसमें जो सारे के सारे नाम इस तरह से दिए जाते थे, और इसमें उन्होंने करा, और इसमें जो नाम दिए जाते हैं सबसे पहले किस तरह से नाम के रूल्स के बारे में जो चर्चा होती है, एक जर्नल निकलता है नीदरलैंड से जिसका नाम है टैक्सोन, जिसको छापती है, इट इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर, एंड द आइडियाज कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर दे आर पब्लिश इन टैक्सोन, उसके बाद उसमें वोटिंग होती है। तो पहली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, दो तीन कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर शुरुआत जब नामकरण की हुई, नाम देने की पद्धति की शुरुआत हुई, पेरिस में सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस, फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटनिक कांग्रेस वॉज हेल्ड इन पेरिस इन 1867। जो रूल्स उसमें पास किए गए उनको हम नाम इस नाम से जानते हैं, पेरिस कोड, पेरिस कोड 1867। इस कोड के जो महत्वपूर्ण जो नियम पास हुए थे इसमें, ये कहा गया उसमें कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को जो है हम एक मेन रूल मानेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का
मतलब किसी पौधे का नाम किसी ने इंग्लैंड में दिया, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में दिया, किसी ने यूरोप में दिया, क्योंकि जानते नहीं थे उस जमाने में कि दूसरा आदमी इसका नाम दे चुका है। तो जिसने सबसे पहले नाम छापा होगा उसको हम मानेंगे कि यह नाम इसका सही होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। इसी तरह से जिसने वो नाम दिया था उसका नाम को हम साइट करेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑथर साइटेशन। फिर यह हुआ कि किसी नाम को हम कैसे सही माने, टू एस्टेब्लिश इट्स वैलिड पब्लिकेशन, इसकी जरूरत को महसूस किया गया। दूसरी कॉन्फ्रेंस भी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, वो हुई थी रोकेस्टर में जो न्यूयॉर्क का पार्ट है, और उसमें जो नियम पास हुए रोकेस्टर कोड के नाम से जाने जाते हैं, उसमें यह हुआ कि टाइप कॉन्सेप्ट को महत्वपूर्ण महत्व दिया गया। टाइप का मतलब होता है किसी भी पौधे का जब नाम दिया जाता है तो उसका एक सैंपल डेजिग्नेट किया जाता है हर्बेरियम में, दिस इज कॉल्ड टाइप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप द नेम ऑफ दैट प्लांट इज गिवन बाय द ऑथर। ऑथर का मतलब जिसने उसको पहली बार नाम दिया। प्रिंसिपल प्रायोरिटी का जो रूल था या प्रिंसिपल था उसको कहा कि बिल्कुल सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, और सारे के सारे बाइनोमियल जो नाम थे, इवन टोटोनिमस नाम भी उस जमाने में माने। टोटोनिमस का मतलब जीनस और स्पीसीज का नाम जब एक जैसे होते हैं तो उनको हम टोटोनिम्स कहते हैं। थर्ड इंटरनेशनल बॉटनिक कांग्रेस वॉज हेल्ड इन वियना इन 1905। इसमें जो नियम पास हुए दो, इसमें इंपॉर्टेंट नियम ये हैं इसमें कि लीनियस के जो किताब में नाम दिए गए हैं 1753 की बुक में स्पीसी प्लांटेनम का, उसको हमने यानी 1753 को हमने नॉमनक्लेचर की स्टार्टिंग डेट मान ली, इससे पहले के सब नाम को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से जेंडा प्लांटेनम में लीनियस ने जो 1754 में छापी किताब 500 एडिशन, उसमें जो जेंडा के नाम दिए थे दे वर ऑल्सो एक्सेप्टेड एज नेम्स ऑफ जेंडा। और इसके बाद अगला जो पॉइंट था इसमें कि जेनेरिक नेम्स को जो लगातार यूज चले आ रहे हैं काफी टाइम से, कई सालों से, और वो किसी वजह से इनवैलिड हो जाते हैं बाद में, तो एक नियम बनाया गया कि इनको कंजर्व कर दें। कंजर्व का मतलब अब इनको कोई बदल नहीं पाएगा, ऐसे नामों को हम कहते हैं जीनस के जो नाम होते हैं नोमिना कंजर्वेंडा। तो जेनेरिक जो जीनस के नाम होंगे देवर कॉल्ड नोमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा, इनको बनाया गया। फिर इस कॉन्फ्रेंस में जो पिछली कॉन्फ्रेंस में हुआ था कि टोटोनिमस नेम को एक्सेप्ट कर लिया था, इसमें उनको रिजेक्ट कर दिया, आज भी रिजेक्टेड ही माने जाते हैं। तो शुरुआत हुई थी इंटरनेट, इसके बाद कोर्ट सबने शुरू हुए, फिर जिनके नाम थे ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। पहला जो इसमें तरीके से छपा था सही तरीके से, वो कोड जो है लगातार पब्लिश हुए हैं, उनका नाम ICBN के नाम से, स्टॉकहोम 1950 तक के लगातार एडिशन छपते थे, तो कोड के नाम से जाने जाते थे जो कॉन्फ्रेंस दुनिया में होती थी। फिर उसके बाद चेंज हुआ 2011 में, व्हेन 18th इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस वाज हेल्ड इन मेलबोर्न इन 2011, वहां इसका कोड का नाम बदल दिया गया। उन्होंने कहा अब इस कोड का नाम होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट, शॉर्ट में हम इसको ICN कहते हैं। यहां से इसका नाम बदल गया, पहले कहते थे ICBN, अब ICN इसका नाम 2011 के बाद माना जाता है। तो ये कोड जो होता है इसमें एल्गी को उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, फंजाई को स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि उस पहले वाले कोड में कुछ चीजें क्लियर नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा इसको ICN के नाम से हम जानेंगे और सभी के लिए लागू होगा। प्लांट्स का मतलब होता है एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब फंजाई के अलावा, एल्गी और फंजाई के अलावा जो बाकी प्लांट्स वो सारे के सारे। और इसी तरह से लेटेस्ट एडिशन जो इसका निकला है वो शेंजन चाइना में 2017 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 19th, और वो जो लास्ट कॉन्फ्रेंस थी इससे पहले जो हुई है उसमें इसके एडिशन छपा था, उसको हम शेंजन कोड भी कह देते हैं। इस हर कोड जो है जब अगली कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल वो सुपरसीड करती है पिछले कोड को। जो इंटरनेशनल कोड है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का, यानी एल्गी फंजाई, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, इसमें तीन डिविजन्स हैं। तो तीन डिविजन्स होते हैं इसमें ICN में। पहला डिविजन कहता है छह प्रिंसिपल उसमें दिए गए हैं, दूसरे डिविजन में बताते हैं कि नाम वगैरह हम किस तरह से उसी डिविजन में हम नाम वगैरह कैसे देंगे, एंड हाउ द नॉमेनक्लेचर टाइप्स आर डिटरमाइंड, और इसी तरह से हाउ डू वी एस्टेब्लिश और डिफाइन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशंस, तो ये भी हम उसमें करते हैं इसी तरह से। और सारे नाम जो होते हैं लैटिन भाषा में देने आवश्यक होते हैं। दूसरे डिवीजन में आता है कि जितने भी टैक्सा, टैक्सा का मतलब होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे जीनस, स्पीशीज, फैमिली, फाइलम, सब फाइलम, या कह सकते हैं डिवीजन, सब डिवीजन, ऑर्डर, सब फैमिली, सब ऑर्डर, ये सारे के सारे रैंक्स कहलाते हैं टैक्सा, जो टैक्सोन, टैक्सा प्लूरल है टैक्सोन का, सो दीज आर कॉल्ड द रूल्स। तो डिवीजन टू में रूल्स और रेगुलेशन सब के सब दिए हुए हैं। इसमें टैक्सा और रूल्स की बात आती है कि सबसे पहले हम कैसे फॉसिल्स के लिए जो है टैक्सा जो दिए हैं उन्होंने, उसमें वन ऑफ मोर प्लांट्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म उसको हम ले लेते हैं, उसमें इस तरह से हम ले फॉसिल जीनस कहलाते हैं, उसके लिए थोड़ा नियम में फर्क है। और जो बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर ट्रीटेड टू बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, द रैंक्स ऑफ टैक्सा वो कितने तरह के हैं, किंगडम है उसको रेगनम भी कहते हैं, डिवीजन और फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, और स्पीसीज से नीचे भी कैटेगरीज हो सकती हैं, सब स्पीसीज, वेराइटीज, फॉर्मा एटसेट्रा।
तो स्पीशीज और सब डिविजन जो होते हैं वो उसको जेनरा को हम कह सकते हैं कि डिविजन्स ऑफ जेनरा जो होते हैं वो इंटर स्पेसिफिक टेक्सा है, उनको हम डिफाइन करते हैं उनको। और हाइब्रिड जो होते हैं, हाइब्रिड्स का नाम देने का तरीका अलग है। हाइब्रिड के जीनस को हम कहते हैं नोथो जीनस, और हाइब्रिड की स्पीशीज को कहते हैं नोथो स्पीशीज। और सेकेंडरी रैंक्स जो होते हैं इसके बाद नीचे जो रैंक्स आते हैं, जैसे ट्राइब्स हैं फैमिली के नीचे होते हैं, फैमिली और जीनस के बीच में होता है, सेक्शन होता है, सीरीज होता है, जीनस से स्पीशीज के बीच में होते हैं, यानी जीनस से नीचे स्पीशीज से ऊपर। वैरायटी और फॉर्म्स होते हैं वो स्पीशीज से नीचे होते हैं, वैरायटीज एंड फॉर्मा। और इसी तरह से हम सफिक्स लगा देते हैं सब करके उनको हम क्लासिफाई करने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि किंगडम के नीचे सब किंगडम लगाएंगे, डिवीजन के नीचे सब डिवीजन, सिमिलरली बिलो क्लास वी कॉल इट सब क्लास एंड बिलो ऑर्डर वी कॉल इट सब ऑर्डर, फैमिली के नीचे सब फैमिली, ट्राइब के नीचे सब ट्राइब, जीनस के नीचे सब जीनस, सेक्शन सब सेक्शन, सीरीज सब सीरीज, और तब जाके उसमें स्पीशीज आती हैं, सब स्पीशीज उसके स्पीशीज के नीचे, सब स्पीशीज, वैरायटी, सब वैरायटी, फॉर्म एंड सब फॉर्म। इस तरह से हम कहते हैं डिवीजन है, तो सब डिवीजन, ये डिवीजन सीक्वेंस में बने हुए ऊपर से नीचे तक, तो इसी तरह से हम नॉर्मल क्लासिफिकेशन के रूल्स बने हुए हैं। इसी तरह से वी कैन कॉल इन केस ऑफ हाइब्रिड्स नोथो टेक्सा या नोथो स्पीशीज हैं, नोथो जीनस हैं, नोथो जीनस हैं या नोथो स्पीशीज हैं, वो उनके लिए यूज होता है, उनके जो हाइब्रिड जेनरा स्पीशीज होती हैं। फिर इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि टाइपिफिकेशन, जब किसी भी व्हेन अ प्लांट इज नेम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एनी बॉटनिस्ट, so he has to define a specimen of that, yani element, its kind of element on which the name of that taxon is attached, to which the name of that taxon is attached, aur isse pata lagta hai ki wo correct naam hai ya nahi hai, synonym hai ki nahi hai, to isko hum define karne ke liye type kehte hain। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है नाम का, उसको हम किसी उसके दूसरे नाम से लेते हैं जहां से बेस होता है उसका, टाइप जहां पे है, तो उसको हम बेसियोनिम कहते हैं। और इसी तरह से रिप्लेसमेंट अगर होता है तो रिप्लेसमेंट सिनोनिम हो जाए, सिनोनिम का मतलब उसी नाम का दूसरा नाम, सिनोनिम जो है वो एक तरह से कह सकते हैं इनवैलिड हो सकता है। तो किसी भी स्पीसीज का जब नाम दिया जाता है तो उसका टाइप बनाया जाता है, वो उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर या उसमें एल्गी के केस में ये प्रिजर्व में जार के अंदर हो सकता है, या माइक्रोस्कोप की स्लाइड के अंदर हो सकता है, पैकेट के अंदर हो सकता है, किसी कोई भी प्रिपरेशन हो सकती है, उसको जो ऑथर नाम देता है वो उसको डेजिग्नेट करता है, यानी कहेगा ये उसका टाइप है, उसी को हम मेन टाइप मानते हैं, उसी के ऊपर नाम बेस्ड है। एल्गी और फंजाई केस में कल्चर्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है होलोटाइप, होलोटाइप मीन्स द स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन या मेटीरियल व्हिच द ऑथर हैज डेजिग्नेटेड, जब उसका नया टाइप बना रहा है, नया नाम दे रहा है वो बिल्कुल। लेकिन जब नाम बदला जाता है तो होलोटाइप उसका नया नहीं बनाते हैं बल्कि वो पहले से चला आता है। लेक्टोटाइप ये होता है, जैसे होलोटाइप ऑथर ने बनाया, किसी वजह से होलोटाइप वो नहीं बना पाए, एक मटेरियल उसके पास है एंड ही सेलेक्टेड सम स्पेसिमेंस, तो उसमें क्या होता है कि लेक्टोटाइप उसने मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, ऑथर अवेलेबल नहीं है, उससे हम कह नहीं सकते कि भाई ऑथर नहीं है अब अवेलेबल, तो उस केस में उस मटेरियल से एक नया टाइप बना देंगे, उसको हम कहते हैं लेक्टोटाइप, व्हिच इज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेम मटेरियल ऑन व्हिच द ऑथर वर्क्ड। और आइसोटाइप, देखिए होलोटाइप हमेशा एक होता है और लेक्टोटाइप उस मटेरियल से बनता है, जब आइसोटाइप जब उसका मेन टाइप या होलोटाइप नहीं होता है। आइसोटाइप को हम होलोटाइप जो मेन टाइप होता है होलोटाइप को डुप्लीकेट कहते हैं, और सिम टाइप को कहते हैं जब ऑथर ने कई सारे टाइप्स बनाए एंड ही कुड नॉट डेजिग्नेट कि कौन सा इसमें आइसोटाइप है और कौन सा मेन होलोटाइप है, तो जो होलोटाइप आइसोटाइप डिफाइंड नहीं है तो सारे के सारे सिम टाइप कहलाएंगे। इसी तरह से पैराटाइप इज द टाइप जिसमें स्पेसिमेन दो से ज्यादा स्पेसिमेन अटैच्ड है टाइप के साथ, वो पैराटाइप कहलाता है, या फिगर्स होती है उसके साथ। और नियो टाइप का मतलब व्हेन ऑल द टाइप्स आर मिसिंग, डिस्ट्रॉय हो गए, आग लग गई हर्बेरियम में, अब यह क्या था, टाइप तो चाहिए हमें, उसका बेस चाहिए, तो कोई भी नया ऑथर, कोई भी बॉटनिस्ट उसका नया टाइप बना सकता है, वो ऑथर तो है नहीं अब, तो उसके उस जंगल से या जहां से उसने बनाया होगा तो उस इलाके से लेके वो एक नया टाइप बना देंगे, उसको हम कहते हैं न्यू टाइप, यानी न्यू टाइप वो उसकी जगह काम करेगा टाइप स्पेसिमेन की जगह, क्योंकि बिना टाइप के कोई भी नाम वैलिड नहीं होता है। और इफी टाइप इज ए स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन सेलेक्टेड टू सर्व एज इंटरप्रेटिव टाइप व्हेन द होलोटाइप, लेक्टोटाइप या पुराने जो न्यू टाइप से या सारे मटेरियल जो है वैलिडिटी पब्लिश नेम है और वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इपी टाइप। अब फॉसिल्स केस में फॉसिल टैक्सोन इंट्रास्पेसिफिक हो सकते हैं और टैक्सोन हो सकते हैं जिसमें इलस्ट्रेशन हम यूज करते हैं मोस्टली, तो इस तरह से हम उसको यूज करते हैं।
अब दूसरा आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब किस डेट से हम प्लांट के नेम्स को सही मानेंगे। तो इसमें लिमिटेशन, जो लिमिटेशन का मतलब उनकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर स्पर्मेटोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रैंक्स ऑफ जीनस एंड बिलो, जीनस से नीचे और जीनस और जीनस से नीचे, फॉर्स मे 1753 है, जो लीनेज की स्पेसिफिक प्लांटेरियम की डेट से लिया गया है। और इसी तरह से मोसेज के केस में मसाई जो है इसके लिए 1 जनवरी 1801 हेडविक की बुक है, इसे लिया गया है मोसेज के ऊपर। और स्पैग्नेसी जो हिपेटिसी दो जो अगले अलग ग्रुप हैं ब्रायोफाइट्स के लिए, इनके लिए जो डेट है 1 मई 1753 है, लीनियस से ही लिया गया, लीनियस की स्पेशल प्लांटेरियम से। और फंजाई के लिए स्टार्टिंग डेट है 1 मई 1753, वही आ रहा है, लीनियस की डेट से ही आ रहे हैं, उसके आसपास की डेट है। और यहां पर एल्गी के केस में भी सेम डेट है, लीनियस की स्पेशल प्लांटेरियम वाली। लेकिन फॉसिल ऑर्गेनिजम्स के लिए यानी डायटम्स को छोड़कर उनके लिए 31 दिसंबर 1820 इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये है उसको हम वैलिडेशन कहते हैं या उनके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब नाम कैसे दिए जाते हैं पेड़ पौधों के, जैसे हमने लिखा कि किसी भी ग्रुप का नाम हम देते हैं, तो जैसे जीनस का नाम, फैमिली का नाम हम देते हैं, तो उसके किसी जीनस से लेते हैं, एक किसी जीनस से, जैसे लाइकोडियोफाइटा, इसको हमने लाइकोपोडियम नाम जीनस से लिया है, इस डिविजन का नाम। मैग्नोलियोफाइटा जीनस का नाम, वी टुक इट फ्रॉम मैग्नोलिया। इसी तरह से मैग्नोलिया से हम पहले तो फैमिली का नाम लेंगे, मैग्नोलिया से फैमिली का नाम बनाएंगे तो मैग्नोलियसी होगा, फिर ऑर्डर का नाम बनाएंगे उसे मैग्नोलियस हो जाएगा। ये डिवीजन का नाम है मैग्नोलियोफाइटा, तो ऑटोमेटिकली डिवीजन्स के नाम जो होते हैं लास्ट में उसमें फाइटा या जोड़ते हैं। लेकिन फंजाई के केस में माइकोटा, जैसे यू माइकोटा, इस तरह से हम कह सकते हैं। और डिविजन्स ऑफ जो सब डिविजन का एंड में आता है, एंडिंग होती है, दिस एंड्स इन फाइटिना, और फंजाई के केस में माइकोटिना, जैसे यू माइकोटिना। नेम्स ऑफ क्लास ऑफ प्लांट्स, और जो क्लास होता है क्लास का नाम हमेशा इट एंड्स इन ऑप्सिडा, एली केस में फाइसी यूज होता है, और फंजाई केस में माइसिटीज एंड होता है क्लास के नाम में। तो बाकी प्लांट्स में एलगी और फंजाई के अलावा सब में ऑप्सिडा लास्ट में आएगा, जैसे लाइकोप्सिडा। इसी तरह से सब क्लास में आईडी होगा, और एलगी केस में फाइसिडी, और फंजाई केस में माइसिटीटी। और टाइपिफाइड अगर नेम्स हैं ऑर्डर्स सब ऑर्डर्स के, तो ऑर्डर्स में आता है एल्स, और सब ऑर्डर्स में आता है आईनी, इस तरह से हम इसको नाम्स को देते हैं। और फैमिली इज ऑलवेज दे आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स, तो उसमें मैंने बताया कि फैमिली का नाम किसी जीनस से हम लेते हैं, वी टेक इट फ्रॉम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जीनस ऑफ दैट फैमिली, उसके लिए नाम लेते हैं। फैमिली के नाम में लास्ट में हम जैसे हम जनेली उसमें लगाते हैं ACE, जैसे रोजेसी, रोजेसी हमने लिया रोजा से, तो इस तरह से हमने उसको लिया फैमिली का नाम। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हम बहुत टाइम से उनके नाम चले आ रहे हैं, उनके नाम को हमने कंजर्व कर दिया, एक तरह से उनको मान लिया कि ये नाम भी इनके चले जाएंगे, माने जाएंगे। सो दीज नेम्स आर कॉल्ड नॉमन ऑल्टरनेटम, यानी वो ऑल्टरनेट नेम्स हैं। कंपोजिटी का नाम कंपोजिटी उसका नया नाम जो एसटीडीसी है, रूल्स के हिसाब से एसी होना चाहिए, लेकिन कंपोजिटी नाम को भी हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो कंपोजिटी का एसटीडीसी नाम दोनों में माने जाएंगे, क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी का नाम, ग्रेमिनिया नाम चला आ रहा है टाइम से, तो इसको गलत नहीं मानेंगे हम इस नाम को, एसी भले नहीं है उसमें, एसी वाला नाम पोएसी है, गटीफेरी का क्रोसी एसी, लेबेटी का नाम अब लेमेसी है, लेकिन वो टेक्स्ट में लेबेटी भी चलाता है, तो वो भी गलत नहीं है, अल्टरनेट नेम कहलाएगा उसका। और लेग्यूमिनेसी का फेबेसी, पामी का एरिकेसी, पेवलिनेसी का फेबेसी, और इसी तरह से अम्बलीफेरी का एपीएसी। और सब फैमिली का नाम ऑयडी से लेंगे, जैसे रोजोइडी, रोजा से बनाया नेचुरली सब फैमिली, फिर फैमिली का नाम रोजेसी है। ट्राइब और सब ट्राइब का यानी ई ए और आई एन ए, जैसे रोजी पोई, ये ट्राइब का नाम है, और पोइनी जो है सब ट्राइब का नाम है। और जेनरा के नाम और स्पीशीज के नाम मैंने बताया कि लेटिन में दे आर ऑलवेज रिटन लेटिन लैंग्वेज। जीनस, नेम ऑफ अ जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल इनिशियल, यानी सबसे पहला लेटर से कैपिटल होगा, उसमें जो अल्फाबेट है कैपिटल होगा। और किसी भी सोर्स से लिया जा सकता है नाम, किसी उसके कैरेक्टर पर लिया जाता है, किसी बॉटनिस्ट के नाम पर हो सकता है, किसी जगह के नाम पर हो सकता है, किसी और चीज, किसी भी सोर्स पर ले सकता है, लेकिन या तो लेटिन में होगा या जिस सोर्स से आपने वो शब्द लिया जिस भाषा से उसको लेटिनाइज करना पड़ेगा। तो जैसे बार्टेमिया, कन्वॉल्विलस, ग्लोरियोसा, अब ग्लोरियोसा जैसे है तो ग्लोरी से बना है, ये ग्लोरी से लिया है, तो ग्लोरी इंग्लिश वर्ड है तो ग्लोरियोसा कर दिया उसको। तो अब कभी कभी फॉसिल के केस में जो दो फॉसिल जनरा होते हैं तो उनको हम हाइपन से जोड़ देते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और किसी भी सोर्स से मैंने आपको बताया कि ले सकते हैं हम, जैसे जेनशियाना का नाम है जेनशियस लिया, रिजेंब्लेंस अगर है ये तो डिस्कवरी उसने जेनशियस ने डिस्कवर किया जेनशियाना को, तो जेनशियाना पड़ गया उसका नाम जेनशियस के ऊपर। डेल्फिन का नाम हमने डॉल्फिन के नाम से लिया, तो डॉल्फिन से
डेल्फिनियम पड़ गया, और लीनियस ने जो नाम लीनियस के नाम पर जो दिए गए जेनरा जैसे लीनिया जीनस है वो लीनियस के ऊपर दिया, और रॉयल के नाम पर जो जीनस का नाम दिया रॉयलिया, यानी उनको ट्रांसलेट हमने कर दिया, मतलब उसको हमने चेंज कर दिया लेटिनाइज फॉर्म में। सुगा हमने लिया, सुगा का मतलब जैपनीज होता है, एबोरिजिनल नेम का उस इलाके से सुगा, उसको जापान से रिलेटेड टर्म है। इसी तरह से हम कह सकते हैं नेम ऑफ सब डिविजन ऑफ जेनस, इसका भी उसी तरह से लेते हैं जैसे जीनस का, यानी दे आर ऑल्सो इन लिटिल लैंग्वेज, दे कैन बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स, बट लेकिन हाइब्रिड के केस में नोथोजेनिक हो, नोथोजेनरिक यानी नोथो जीनस वाले नाम हो या स्पीसीज वाले नाम हो उनके जो पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हाइफन नहीं लगाते बल्कि शुरू में एक क्रॉस का साइन होता है, जैसे एग्रोपोगोन, तो ये एग्रोपोगोन क्रॉस लगा दिया, एग्रोपोगोन जीनस बनाया एग्रोस्टिस से और पॉलीपोगोन से, इन दो का क्रॉस करा के बनाया, क्योंकि वो एक स्पीसीज नहीं है, दो स्पीसीज क्रॉस बनने से बनाया, तो ये नोथो जीनस कहलाएगा, क्रॉस एंड एग्रोपोगोन इसका मतलब क्रॉस लगा, इसका मतलब क्लियर है ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड नेम है। स्पीसीज के नाम में इसी तरह से अगर स्पीसीज के नाम नियम वही है स्पीसीज जीनस के लिए, इसमें डिफरेंस ये है नाम स्पीसीज का शुरू होता है उससे स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर जैसे जीनस का कैपिटल से होगा, तो अगर कभी दो या दो ज्यादा वर्ड से स्पीसीज का नाम लिया है तो उसको हम हाइफन से जोड़ देते हैं, जैसे एडियंटम कैपिलस वेनेरिस, तो कैपिलस वेनेरिस दो टर्म से स्पीसीज का नाम एक ही शब्द होगा, अगर दो शब्दों से बनाया तो उसको डैश हाइफन लगाने के बीच में, तो इस तरह से होगा, जैसे एट्रोपा बेलाडोना इसी तरह से ये लिए गए नाम। नोथोटेक्सा का नाम मैंने आपको बताया था, वही क्रॉस लगा के दो स्पीसीज से ले लेते हैं उसको और क्रॉस लगा के बना देते हैं। इसी सिमिलरली वी कैन से नेम ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक टेक्सॉन, वो भी कॉम्बिनेशन है दो स्पीसीज के, तो वहां पर भी उसी तरह से हम उसके सब स्पीसीज ले लेंगे, जैसे सब स्पीसीज क्या ले या फॉर्मा लिख लेंगे तो उसमें नीचे लगा देंगे उसको, वैरायटी है तो वैरायटी का नाम लिखेंगे, फॉर्मा है तो एफ से, वैरायटी तो वी आर से, एबोरिजिन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है, वाइल्ड से हमने स्पीसीज का नाम लिया, तो कल्टिवेशन में जो आएंगे तो वो हाइब्रिड्स हो सकते हैं, उनका नाम क्रॉस करके हम यूज कर लेते हैं। इफेक्टिव पब्लिकेशन का मतलब होता है जो नाम जो उधर हमने शुरू में लिए थे इफेक्टिव डेट्स ऑफ पब्लिकेशन, उस डेट से बाद में वही नाम, वो नाम माने जाएंगे जो उस डेट से बने गए हैं, प्रिंटेड मैटर में होगा। पहले जमाने में एक्सचेंज होता था मेटेरियल्स का, जब जर्नल्स नहीं होते थे, मेटेरियल होता था, सेल होता था, एक्सचेंज होता था, गिफ्ट के फॉर्म में एक दूसरे को सर्कुलेट करते थे, इसीलिए नाम बहुत हो जाते थे और उनको जस्टिफाई करने के लिए फिर बाद में प्रिंस रूल्स बनाए गए इफेक्टिव पब्लिकेशन के। तो इसमें इसके बाद 1 जनवरी 2012 के बाद ये माना गया कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मान्य होगा, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी किताब में छपा, आईएसएसएन जर्नल में छपा या किसी बुक में छपा, एसएसबीएन जिसका नंबर है उसको भी नाम हम इसके बाद माने जाएंगे, जबकि इससे पहले ये 2012 से पहले ये नाम नहीं माने जाते थे, इफेक्टिव नहीं मानते थे, अब इसके बाद इनको भी इफेक्टिव मानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और इसी तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, वैलिड पब्लिकेशन में इसी तरह से हम कह सकते हैं या तो इफेक्टिवली पब्लिश होना चाहिए, यानी वो मटेरियल एक्सचेंज के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक्सचेंज होना चाहिए, और इसी तरह से हम लेटिन टर्मिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसका गलत नहीं होना चाहिए, और रैंक से जीनस के रैंक से नीचे का नाम जो होगा यानी स्पीसीज का, सब जीनस का, सब स्पीसीज का, वैरायटी का, उनको जो है जब तक स्पीसीज का नाम और जीनस का नाम नहीं होगा तब तक वो नहीं माने जाएंगे, अदरवाइज उसके अंदर वो वैलिडिटी उसकी बनी रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वैलिडिटी के मानने के लिए, किसी नाम को सही मानने के लिए, वी हैव टू अप्लाई ऑल दीज रूल्स। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो एक और टाइप मटेरियल जो हमने कहा था 1 जनवरी 1958 के बाद किसी भी नए स्पीसीज का या जीनस का नाम हम देंगे, न्यू टैक्सॉन का नाम हम देंगे, तो वो जब तक टाइप नहीं बना होगा तब तक वो नाम नहीं माना जाएगा। अगर टाइप बना हुआ है किसी भी ग्रुप का उसका पहले का, तो उसको इंडिकेट कर देंगे कि ये इसका टाइप है, उसका वी हैव टू रेफरेंस द गिव द रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस पब्लिकेशन। अगला एस्पेक्ट आता है साइटेशन। साइटेशन में हम क्या चीज देते हैं, साइटेशन का मतलब होता है किसी भी प्लांट का जो नाम होता है, पहले जीनस होता है, फिर स्पीसीज होती है, और उसके बाद उसका ऑथर का नाम होता है। इसी तरह से फैमिली का नाम होगा तो फैमिली के नाम के बाद ऑथर का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जनरली। जीनस का नाम होगा उसके बाद उसका ऑथर का नाम आएगा। तो जैसे हमने सबसे पहले जिसने दिया, सपोज रोजेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली का नाम जसो ने दिया था, तो JUSS लगा देंगे, रोजेसी जस। रोजा गैलिका स्पीसीज आ गई, तो रोजा जीनस है, गैलिका स्पीसीज का नाम लीनियस ने दिया तो एल डॉट करके लगाते हैं, ये LINNN भी लगा देते हैं। रोजा गैलिका की वैरायटी है वर्सिकलर, ये भी लीनियस ने दिया, तो रोजा गैलिका वैरायटी वर्सिकलर एल, एल एल का मतलब फॉर लीनियस, लीनियस ने वो नाम दिया है।
तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ऑथर का नाम जो होता है वो हमेशा उसको दिया जाता है, एक ऑथर अगर है। अब दो ऑथर हैं तो उसको हम जोड़ सकते हैं दोनों को, जैसे लिनियस और क्लार्क हैं सपोज, तो लिन एट क्लार्क इस तरह से हम जोड़ देंगे। दूसरा चीज होता है कि जैसे कोई ऑथर, कोई नाम हमने कहीं से लिया और उसको बेसियोनिम से लिया, तो जब ट्रांसफर करते हैं उसको, जैसे हमने स्पीसीज को वैरायटी बना दिया या वैरायटी को सबजीनस बना दिया या वैरायटी को स्पीसीज बना दिया, जैसे एग्जांपल है मेडिकागो पॉलीमॉर्फा वैरायटी ऑर्बिकुलरिस, ये इसका नाम सही माना गया है। इसको हमने क्या किया, अगर इसको हम स्पीसीज बना देते हैं ऑर्बिकुलरिस जो वैरायटी है, तो ऑर्बिकुलरिस को जो स्पीसीज बनाएगा उसका नाम, उस जिसने ऑर्बिकुलरिस नाम दिया था, इट वाज गिवन बाय लिनियस, तो उसका नाम ब्रैकेट में चला जाएगा पेरेंथेसिस में, और जिस ऑथर ने चेंज किया इसका रैंक चेंज कर दिया एक्चुअली उसने, बर्टाल, तो बर्टाल ने किया तो उसका नाम बाहर आएगा। इसी तरह से स्पीसीज ट्रांसफर हो जाती है दूसरे जीनस में, यहां भी ऐसे ही होता है, यहां रैंक नहीं बदलता, पहले एग्जांपल में रैंक बदला, इसमें रैंक नहीं बदलेगा। जैसे हेलियंथस सिस्टर्स एजिटियस जो था, ये हेलियंथस ने उसको फिर उसको साइट किया एजिप्टियकम स्पीसीज के नाम से, लिनियस ने उसको ट्रांसफर किया उसमें हेलियंथस में, सिस्टर्स जीनस से हटा के दूसरे जीनस में ले गए, तो जिसने जो ओरिजिनल नाम था एजिप्टियकस उसको एजिप्टियकम, टियकम क्यों किया, लिनियस जो लैटिन लैंग्वेज ग्रामर के हिसाब से थोड़ा चेंज कर दिया उसका एंडिंग। तो मिलर ने चेंज किया तो मिलर का नाम बाहर रहेगा, और लिनियस का नाम दिया हुआ तो ओरिजिनल नाम तो उसके साथ वो चलेगा। इसी तरह से ट्रांसफर करते हैं चीज को, तो ट्रांसफर करने में भी उनका नाम साथ में जाता है हमेशा ब्रैकेट के अंदर। फिर इसमें अगला एस्पेक्ट आता है रिजेक्शन ऑफ नेम्स। रिजेक्शन ऑफ नेम्स का मतलब होता है कोई भी नाम लेजिटिमेट यानी करेक्ट नेम, करेक्ट नेम रिजेक्ट कभी भी नहीं हुआ जो नियम के, जो आईसीएन के रूल्स के हिसाब से द नेम विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आईसीएन, आईसीएन का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, तो उसमें उसका एपिथेट है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसको रिजेक्ट नहीं करते किसी वजह से हम, चूंकि वो लेजिटिमेट है नाम, यानी सही तरीके से दिया गया है। कभी कभी ये होता है कि जो है चेंज कर दिया लोगों ने, मेंथा को मिंथी कर दिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ये वाले तो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, लेकिन अदरवाइज जो नाम चले आ रहे हैं वो लेजिटिमेट है तो ठीक है, लेकिन चेंज नहीं कर सकते आप उनको। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो नाम कंजर्व नहीं है, यानी कंजर्वेशन की लिस्ट में नहीं है या प्रोटेक्टेड नहीं है, उसको हम इलेजिटिमेट का मतलब इनकरेक्ट कहेंगे, यानी वो इलेजिटिमेट का मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आईसीएन, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और ऐसे नाम को हम सुपरफ्लूअस कहते हैं, मतलब ये कहने का एक स्पीसीज का नाम किसी ने दिया, एक बॉटनिस्ट ने, और दूसरे स्पीसीज का उसी स्पीसीज का नाम किसी और कंट्री में दूसरे बॉटनिस्ट ने दे दिया, अब दो नाम हो गए उसके, तो इसमें क्या होगा, तो दूसरा नाम होगा उसको हम सुपरफ्लूअस कहेंगे, उसको हम मानेंगे नहीं उस नाम को, उसको हम सुपरफ्लूअस नाम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लूअस नेम। तो सुपरफ्लूअस जो नेम होते हैं वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, इसी तरह से इलेजिटिमेट हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन से इलेजिटिमेट सुपरफ्लूअस नाम है तो उसका एक अगर उसके पास बेसियोनिम बना हुआ है नीचे से, कोई बेसियोनिम यानी कहीं और से लिया हुआ नाम किसी और स्पीसीज से या ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस में तो एक्सेप्टेबल हो सकता है वो, तो बेसियोनिम में ये चीज़ है। जैसे हमने लिखा एग्रोस्टिस रेडिएटा है जैसे, तो क्लोरिस रेडिएटा उसका करेक्ट नेम है जीनस में, इन द जीनस एग्रोस्टिस उसमें क्लोरिस में, और एग्रोस्टिस रेडिएटा उससे हमने उसको जोड़ दिया, तो व्हेन एग्रोपायरोन फेजिकुलेस इज ट्रीटेड एज अ डिफरेंट स्पीसीज, उसको डिफरेंट मान लेंगे हम क्योंकि उसका ऑलरेडी बेसियोनिम दिया गया है। इसी तरह से किसी भी फैमिली का, जीनस का या स्पीसीज का नाम हम जब तक वो कंजर्व नहीं होगा, प्रोटेक्टेड नहीं होगा, तो उसको इलीगल इनकरेक्ट मानेंगे, इलेजिटिमेट मानेंगे। अगर वो लेटर होमोनिम, लेटर होमोनिम का मतलब ऑलरेडी जब नाम उसमें दिया गया पहले से, दोबारा नाम किसी और ने दे दिया, तो वो उस केस में लेटर होमोनिम कहलाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल्स हैं सामने दिए हुए इसके, नेम ऑफ टू सबडिविजन्स ऑफ द सेम जीनस और ऑफ टू इंटरस्पेसिफिक टेक्सा विद इन द सेम स्पीसीज इवन इफ एट डिफरेंट रैंक्स आर होमोनिमस, होमोनिम्स, होमोनिम्स का मतलब वो भी वहां पर होमोनिम होंगे, होमोनिम नाम जो होते हैं ये भी जो है करेक्टली डिफाइन नहीं हो पाते उस तरह से। एंथ्रोपोगोन की स्पीसीज थी, सॉर्गम की सब स्पीसीज थी हेलिपेनेंसिस, जो कि लिनियस ने कहाँ से लिया, वो लिनियस से लिया गया पहले कहीं और से, और हैकल ने उसको चेंज किया, और ये एंड्रोपोगोन सॉर्गम वैरायटी हेलिपेंसिस हैगम ये लेजिटिमेट कहलाएगा क्योंकि दोनों का सेम टाइप है, वो दोनों का सेम टाइप है, इसलिए टाइप स्पेसिमेन दोनों का सेम है, इसलिए वो लेजिटिमेट यानी उसको करेक्ट मानेंगे। और इसी तरह से कोई भी नाम अगर रूल्स के हिसाब से फाइनल एपिथेट अगर उसका इलेजिटिमेट है, उस नाम को दोबारा यूज कर सकते हैं। इस केस में हम कह सकते हैं जैसे टैलियन
एनियनम पॉलीएंड्रम नाम था, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये लेटर होमोनिम बना टेलियनम पॉलीएंड्रम, जो पहले से किसी और ने दिया बाद में, 1855 में दिया हुआ है टेलियम पॉलीएंड्रम हुकर ने, और रुइज और पैब ने उसको बाद में, उसके बाद पहले का नाम उसमें लेटर होने में उसको माना गया क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था उसको कहीं और से, ट्रांसफर करके उसको, वो ऑलरेडी ट्रांसफर किया हुआ था इसलिए उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस तरह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं नाम। अब दूसरे डिवीजन का जो आखिरी पार्ट है नॉमिना कंजर्वेंडा, नॉमिना कंजर्वेंडा का मतलब होता है द नेम्स विच आर कंजर्व्ड, यानी कंजर्व्ड नेम्स, कंजर्व नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर ग्रुप्स, यानी टैक्सा। तो नॉमिना कंजर्वेंडा आर द नेम्स ऑफ टैक्सा विच आर इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हेंस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम चेंज इन दीज नेम्स, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय कंजर्विंग देम। तो रूल्स में प्रोविजन है ऐसे नाम जो बहुत लंबे टाइम से यूज में आ रहे हैं उनको हम कैसे, उनको हम चेंज, कोई चेंज न कर सके इसलिए उनको एक जैसे वीटो पावर होती है उसी की तरह से उनको कंजर्वेशन कर दिया, प्रोटेक्शन दे दिया। अब इन नाम को कोई नहीं बदल सकता, किसी नियम को सपोज वो नाम जब बना किसी नियम की वजह से वो गलती थी उसमें, अब उसको उस गलती को इग्नोर करना पड़ेगा उस केस में जिनको हमने लिस्ट में डाल दिया। तो दो तरह के ऐसे नाम है, एक तो फैमिलीज के नाम है और दूसरा है जीनस के नाम, जेनरा के नाम। तो जो फैमिलीज के नाम है उस लिस्ट को हमने कह दिया नॉमिना फैमिलीरम कंजर्वेंडा, यानी द नेम्स ऑफ द कंजर्व नेम्स ऑफ द फैमिलीज, फॉर एग्जाम्पल एकेंथेसी, एमरेंथेसी, एपिएसी, एस्टेरेसी, ब्रेसिकेसी, सिजलपिनेसी, कैरियोफाइलेसी, कन्वॉल्वुलेसी, कुकरबिटेसी, इफोर्बिएसी, लेमिएसी, लिलिएसी, ये अपोएसी, ये सब के सब कंजर्व नेम्स हैं फैमिलीज के। और इसी तरह से नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा, ये वो नाम है जो जेनरा के नाम है जिनको कंजर्व कर दिया। अब किसी वजह से जैसे सोलनम है, डिजिटेरिया, सिटेरिया, लोरेंथर, डलवर्जिया, ब्यूटिया, या ये सारे जो जेनरा हैं इनके नाम को कल कोई बॉटनिस्ट कह देता है साहब ये नाम गलत तरीके से दिया गया तो नाम इनवैलिड होना चाहिए, अब इसके ऊपर वो रूल लागू नहीं होगा। क्यों? इन नामों को हमने कंजर्व लिस्ट में डाल दिया और ये लिस्ट बॉटनिकल कांग्रेस, जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस होता है उसमें नॉमेनक्लेचर सेक्शन होता है, वहां लोग प्रस्ताव देते हैं और इसको वोटिंग से पास करने के बाद अगर पास हो गया वो मेजोरिटी वोटिंग से तो उसको छाप देते हैं, कोड में आ जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है उस साल के कोड में, वो फिर वो कंजर्व होगी। इस नामों को आप कोई नहीं बदल पाएगा भले इनमें गलती हो, इस जीनस के नाम को, इसी तरह से फैमिलीज के नाम को, दीज आर कॉल्ड कंजर्व नेम्स। अब इसमें अभी डिस्कस किया हमने, वी हैव डिस्कस टू डिविजन ऑफ द कोड, लास्ट डिविजन है इसका डिविजन 3, जिसमें यह दिया है कि गवर्नेंस ऑफ द कोड, प्रोविजन फॉर द गवर्नेंस ऑफ कोड, कोड को हम कैसे लागू करेंगे या कैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें 8 प्रोविजंस दिए गए हैं, सो हाउ वी कैन मॉडिफाई द कोड, हाउ वी कैन अमेंड द कोड, और इसके नियम बने हुए हैं। तो जैसे कुछ नियम ये हैं इसके जो कोड्स हैं, द कोड मे बी मॉडिफाइड ओनली बाय द एक्शन ऑफ प्लेनरी सेशन ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस ऑन अ रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द नॉमेनक्लेचर सेक्शन ऑफ दैट कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब उस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में जो प्रपोजल आएगा, रेजोल्यूशन आएगा, वो प्रपोजल आएगा उसको हम उस सेशन में उसको डिस्कस करेंगे, रेजोल्यूशन में पास हो गए तब जाके वो यूज होगा, फिर उसके बाद जो प्रपोजल आएगा वो अमेंडमेंट होगा कोड में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, या किसी भी नाम को रिजेक्ट करने के लिए, कई तरह का हो सकता है, किसी नाम को हम कहते हैं रिजेक्ट हो सकता है, गलत है, किसी को कंजर्व कर सकते हैं, किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कंसर्न कमिटी जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की होती है वहां पर उनको हम चेंज करते हैं, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं उसको। और इसी तरह से हम आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द प्रपोजल्स प्रायर टू एन आईबीसी, जब इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस होती है उससे पहले प्रपोजल छापने पड़ते हैं, वो टैक्सोन जर्नल में छपते हैं। और इसको कौन करता है? वोटिंग के प्रपोजल्स अमेंड करने के लिए यूज किए जाते हैं ब्यूरो ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी जो जर्नल छापता है, एक्चुअली ये टैक्सोन जर्नल छापता है, उसमें छपते हैं ये। और उसके बाद फिर इन प्रपोजल्स को सारी कमेटी के मेंबर्स को और उस ऑथर को भेजा जाता है वोट करने के लिए। और जब वोटिंग से वो पास होते हैं तो उस कमेटी में जनरल कमेटी जो होती है कंसल्टेशन करती है उसमें। लेकिन फंजाई के केस में ये जो होता है ये अलग से ट्रीट होते हैं, फंजाई के केसेस उसके लिए अलग कमेटी है, जो फंजाई जैसे नॉर्मल केस कमेटी फॉर फंजाई, ये डिफरेंट है फंजाई के लिए। बाकियों के लिए सारा का सारा वो जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी है वो इसको यूज कर रहा है, उस केस में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस हाउ व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ प्लांट्स, हम बिना नॉमेनक्लेचर के रूल्स के या बिना नियमों के हम किसी भी प्लांट का नाम नहीं दे सकते हैं, बिना प्लांट्स के नाम दिए हुए हम उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते डिफरेंट ग्रुप्स में, और ग्रुप्स में नाम देंगे, ग्रुप्स के भी नाम देंगे, प्लांट्स के भी नाम देंगे, तभी हम किसी भी फॉरेस्ट का या वेजिटेशन के बारे में जान सकते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है और सही नाम होना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है,
बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स में कभी स्पीसीज की कोडिंग हो जाती है, जेनेटिकल स्टडी हो जाती है, तो अगर उसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो सारे जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सब के सब गलत हो जाएंगे। कई बार ये गलती बाद में पकड़ी जाती है। तो ये और इसी तरह से क्या नियम है उसके, कैसे वो रिजेक्ट होते हैं, कैसे एक्सेप्ट होते हैं, कैसे हम उनको नाम देते हैं, टाइप कैसे बनाते हैं और बिना टाइप के नाम नहीं देते, लैटिन भाषा में नाम उनके दिए जाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो पहले लैटिन में दिया जाता था अब उसको इंग्लिश में भी दिया जा सकता था। पहले लैटिन में ही देना जरूरी होता था नई स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन, नाउ वी कैन गिव देम इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। तो तीसरा डिवीजन में हमने कहा कि प्रोविजन है था उसका मॉडिफाई करने के लिए, कोड के अंदर मॉडिफिकेशन कोई करना है तो उसके लिए ये प्रोविजन दिए गए हैं डिवीजन थ्री में। तो ये शॉर्ट में हमने थोड़ा रूल्स के बारे में, वी हैव डिस्कस द रूल्स एंड हिस्ट्री एंड प्रोविजन फॉर द इंटरनेशनल कोड फॉर नॉर्मल क्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉर्मल क्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स।